पीछे तो भाई साहब ने मेरे को सॉफ्ट कर दिया यार, थकान भी होगी काफ़ी और यहाँ पर छत्र छाया भी मिल गई यार यहीं पर। ये लिखने वालों पे तो कभी भरोसा मत करना, अगर जाना है तो बोलो होशियारपुर तक छोड़ देता हूँ। ना ना कोई बात, रास्ते में मिलते हैं यार काफ़ी अच्छे लोग जो मदद करना चाहते हैं दूसरे की। एक घर होना 11 बजे, एक होना 5 बजे। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। रात का हमारा रात्रि विश्राम गढ़ शंकर के भोलेनाथ के भंडारे पे ही हुआ था। जाने का समय आ गया हमारा, कल रात से रुके हुए थे यहाँ पे। बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। मेरा नाम मोहन सिंह भंडारी है, मैं देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का रहने वाला हूँ। मैं कर रहा हूँ आजकल हरिद्वार से अमरनाथ की 850 किलोमीटर की पैदल यात्रा। कल तक कह रहा था मैं कावड़ यात्रा, आज से मैं कावड़ यात्रा नहीं कर रहा हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ। क्यों ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और आज है मेरी यात्रा का 12वां दिन। आज की यात्रा हो रही है मेरी गढ़ शंकर से होशियारपुर की तरफ, जो दूरी होने वाली है 40 किलोमीटर की। बहुत देर में चलना शुरू किया यार, करीब 11 बजे चलना शुरू किया है। देखो कहाँ तक पहुँच पाता हूँ मैं, कोशिश करूँगा होशियारपुर तक ही मैं पहुँच जाऊँ। गढ़ शंकर से अभी मैं 10 किलोमीटर आगे हूँ। यहाँ पर एक ये भाई साहब की दुकान थी, मैंने यहाँ पर बोर्ड बनवाया। कौन सी जगह है भाई साहब? ये सैला खुर्द में हूँ अभी। यहाँ पर मैंने ये बोर्ड बनाया, जय बाबा बर्फानी हरिद्वार से अमरनाथ 850 किलोमीटर पैदल यात्रा का। और भाई साहब ने बोर्ड तो बनाया, लेकिन बोर्ड बनाने के बाद इसका पैसा नहीं ले रहे हैं मेरे से। धन्यवाद भाई साहब, मैं तो फ्री में बनवाना नहीं चाहता, इतनी मेहनत लगी यार आपकी। इसका मटेरियल का पैसा तो ले लो आप। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सेवा ही है। और ये भाई साहब देखो, इसका पैसा नहीं ले रहे हैं मेरे से। धन्यवाद भाई साहब। बोर्ड बनवा लिया मैंने, भाई साहब से नाम नहीं पूछा। आपका शुभ नाम क्या है? अजय। मेरा नाम अजय। अजय है। धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं। ये तीन भाई लोग हैं पीछे से मेरे को मिले बाइक में, और ये वहीं से पूछ रहे थे कुछ खाओगे पियोगे। खाने पीने का मेरा इतना खाने का मन नहीं है, बस एक कोई भी छोटा सा कोई कुछ चीज़ दे दो, मेरे को खाना नहीं है अभी। असली में भूखने लगी है ना। आ जाओ भी अंदर आ जाओ। असली में बैठूंगा भी नहीं यार, मैं पीछे बहुत देर रुक गया ना। थोड़ी देर बस, 10 मिनट थोड़ी देर, चलो 5 मिनट बैठता हूँ। ये भाई लोग मेरे को जबरदस्ती लेके आ गए यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाओ पियो करके। असली में यार मेरा तो खाने का मन नहीं है, वो खा के आया हुआ हूँ, फिर भी मैंने कहा चलो भाई लोग इतना कह रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी के जाता हूँ यहाँ से। इन भाई लोगों ने मेरे को यहाँ कोल्ड ड्रिंक पिला दी। आपका शुभ नाम क्या है? युवराज सर। युवराज। और तुम्हारा भैया? आरुष ठाकुर। और तुम्हारा? प्रदीन। धन्यवाद यार आप लोगों का, चलता हूँ। जय बाबा बर्फानी। गढ़ शंकर से करीब मैं अभी 10 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे को एक भाई साहब मिले हैं जिन्होंने कहाँ जा रहे हो करके पूछ रहे थे, और खाने पीने के लिए भी पूछ रहे थे। मैं खा के मैं बहुत आया हूँ, खाना तो मुझे नहीं खाना है, लेकिन मेरे को एक नए सब्सक्राइबर मिल गए अपने, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मनजीत सिंह। होशियारपुर पंजाब से। जय शंकर। जय शंकर। हर हर भगवान आपकी यात्रा सफल करे और आपको मोटिवेट दे, ताकत दे जाने। धन्यवाद जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। कल तक जो था ना, 3 लोग कर रहे थे हम साथ में यात्रा, लेकिन आज से मैं अकेले हूँ यात्रा में। काफ़ी मज़ा आ रहा है। अकेले में तो ऐसा होता ना, अपना डिसीजन ले सकता आदमी कुछ भी करने का, साथ में ऐसा होता है किसी ने कुछ कहा बात बनती नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, झूठा कंटेंट डालते हैं, लेकिन अपना ऐसा नहीं है। पूरे रास्ते की वीडियो दिखाऊँगा आप लोगों को,
पूरी यात्रा पैदल करूँगा मैं अपनी, अब मैं अकेले करूँगा यात्रा, वो लोग मैंने छोड़ दिए पीछे। बने रहो आप लोग, काफ़ी मज़ा आएगा। बस कावड़ नहीं है, कावड़ की जगह में देखो, कावड़ से ज़्यादा भारी बैग है मेरी पीठ में। अब कावड़ में तो 16 लीटर जल था, बैग में है 25 किलो का सामान, अभी और बढ़ने वाला है इसमें सामान। इस बार यात्रा में यार मैं टेंट लेके नहीं आया था असली में, अगला भाई के साथ जो चल रहा था उसने कहा टेंट मत लाना, मैं ला रहा हूँ टेंट, उसी में सो जाएंगे। अब मैं अकेले हूँ तो, क्योंकि यार रोज़ होटल में रहने के लिए तो मेरे पास नहीं है पैसे। एक टेंट देखता हूँ, जहाँ टेंट मिलेगा सबसे पहला काम है टेंट लेना मुझे, ताकि रात में होटल के पैसे बचाने पड़ेंगे। है ही नहीं, नहीं तो कहीं रोड में ही सो जाऊँगा मैं तो उनमें से भी, क्योंकि गर्मी के दिन है यार, मच्छरों से बचना है बस, बाकी क्या चाहिए। गर्मी से यहाँ वैसी हालत ख़राब हो रही, पसीना पसीना छूट रहा है, मच्छरों से बचने के लिए ही सो रहा था मैं टेंट में। कल तक जो था ना, मैं आप लोगों को अपडेट भी नहीं कर पा रहा था कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा। आज मैं होशियारपुर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं करीब 12-13 किलोमीटर ही आया हूँ, करीब 2:30 बज गया, लेकिन मैं शाम तक का खींच दूँगा पूरा होशियारपुर। कल तक का जो था यार कहाँ पहुँच पाऊँगा मुझे खुद ही पता नहीं चल पा रहा था, कहाँ तक पहुँच पाएंगे और किस रास्ते से जाएंगे ये भी पता नहीं चल पा रहा था मुझे भी। आज से जो है अकेला हूँ तो मेरा डिसीजन रहेगा मेरा, और आज मैं होशियारपुर पहुँच ही जाऊँगा। किस समय पहुँचूँगा ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है मुझे भी, अभी करीब 30 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है होशियारपुर यहाँ से। बता देखने मैं जा रहा हूँ, अमरनाथ जी जा रहा हूँ हरिद्वार से। चलो बहुत बढ़िया, जाए ये भाई साहब जा रहे थे, इन्होंने मेरे को पैदल चलते हुए देखा और ये लिफ्ट देने के लिए रुकी इन्होंने गाड़ी, धन्यवाद आपका, लेकिन मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। अच्छे लोग होते हैं यार, बिना लिफ्ट मांगे लिफ्ट मिलती है, लेकिन हम तो जो है ना जो कह दिया वो करने वालों में से हैं। ऐसा नहीं कि पैदल यात्रा कर रहे हैं और लिफ्ट ले लेके चले जाऊँ, उनमें से मैं नहीं हूँ, भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ और बहुत ताकत दी है भगवान भोलेनाथ ने मुझे। मैं क्या बाबा जी आता उसे मैं भागा भाई खड़े नहीं हुए किसी मैं मगर साइकिल टिक अरे ऐसा मत करो आप। अच्छा। आप ना बस ये बढ़िया है बम बोले हमारा तो कहना भी सच हो जाना है, तुम्हें जो कहना मैं 71 लावा 72 लावा 30 लावा 71 लावा 73 लावा कड़ा तुम्हें कहो वो लाना मैं थोड़ा हुक्म लै के पैसे 100 करते एक घर आना 11 बजे एक आना सवेर 5 बजे 100 करके एक घर निकलता हूँ गाड़ी करने मेहनत सू दसता साढ़े को दुध भी कल कर नहीं आता चाह चुका मैं उतों दौड़ा आया तुम देख के मैं। चलो धन्यवाद, हाँ चलता हूँ फिर, मैंने बहुत लंबी यात्रा करनी है ना। अच्छा जी ठीक है जी, दस दो कि घर ला दें फिर जान के टाकरे होंगे आ 100 करके एक घर होना रात सवेर का तो शाम का दस दौ एक रात का 11 बजे आना एक सवेर 5 बजे आना। अच्छा 100 घर होंगे एक घर निकलना है हम। अच्छा वो लाना ठीक है भी, धन्यवाद है मैं दस दौ फिर मैं धनबाद बाबा जी दस दौ मैं धन्यवाद चलता हूँ ही लावा जी सत्ताई बिंदी लावा तो कि वो लाना थोड़ा हुक्म ना तुम्हें कहना तो मैं लाना थोड़े परमात्मा कहना उपरों वाले बे आ कह दे ला दियो तुम कह देना मैं ला देना है दस दस दिए ठीक है धन्यवाद दस दौ मैं अच ठीक है चलता हूँ मैं चलता रहो मैं करना दस दौ भी 100 च कि लावा असली में ना आप क्या कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं वो 100 का दड़े का होंगे लैटरी का एक होना है 100 चो निकलना है एक होना सवेर में तो एक होना है रात में 12 बजे समझ लग गए गल 100 च एक निकलनी है। अब मैं क्या कह रहा ना मैं समझ नहीं पा रहा नहीं 100 घर बाबा जी होंगे आ 100 च एक होना है एक रात में 12 बजे आना एक सवेर में 5 बजे आना उन्होंने लैटरी का नंबर कहते हैं मैं 5 बजे और इतने बजे कह रहा हूँ वो समझ पा रहा हूँ बाकी क्या कह रहा हूँ नहीं समझ पा रहा हूँ। एक सवेर में आना एक सवेरे 5 बजे आना एक रात में 12 बजे आना सुबह 5 बजे और 12 बजे क्या होना है वो 100 करके एक घर निकलना लैटरी का उस समय नहीं करना है वो लाना तो 10 रुपये लाने आ गए ठीक है नहीं ना आपको आपको देने हैं पैसे हाँ मैं लाने चला उ
आपको पैसे चाहिए? हाँ। कितने चाहिए? ये मैनू दस दौ भाई 100 कार च के कार आऊगा, 30 आऊगी, 71 आऊगी, 72, 71 आऊगी, 70 आऊगी। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ ना आप क्या। पचास आओगी। मैं चलता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। लैटी दे नंबर होता है। अब वो नंबर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। मीटर काटता सुनो मैं, ठीक है मैं चल रहा हूँ अभी। हैं यार ये क्या कह रहे थे मेरी समझ ही नहीं आया। 70 सुबह 5 शाम को 12 समझ में आ रहा था, उसके अलावा मेरी समझ ही में नहीं आ रहा था। मैं बात करना तो चाह रहा था लेकिन करूँ कैसे, मेरी समझ में आए जो थोड़ा भी। अभी मैं कौन सी जगह हूँ पता नहीं यार यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर कोई एक पब्लिक स्कूल है और ये देखो यहाँ पर लिखा है होशियारपुर 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर चलना है यार मुझे, अभी शाम का 5 बज गया, लग रहा काफ़ी देर हो जाएगी क्योंकि असली में चलना बहुत देर में शुरू किया यार आज भी। उसके बाद चलना शुरू करने के बाद रास्ते में ऐसी डिस्कशन करते रह गए वहाँ, इसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। कोई नहीं रात तक पहुँच ही जाऊँगा। हम तो जंगलों में चलते हैं रात में, ये तो शहर है, इतनी गाड़ियाँ चलते रहती हैं यहाँ पर, इतने लोग चलते रहते हैं यहाँ, तो ऐसे डर की कोई बात नहीं है यार। फिर से बोर्ड मिल गया मेरे को एक, मेरे को लग रहा 15 किलोमीटर जाना है मुझे, कोई लग रहा है होशियारपुर ही लिखा था शायद यार, पंजाबी में लिखा था। 15 किलोमीटर और जाना है मुझे अभी, काफ़ी रफ्तार में चल रहा हूँ मैं, पसीना देखो पूरे हाथों में पानी टपक रहा नीचे। 17 किलोमीटर है पूछता हूँ अभी। यहाँ से होशियारपुर कितना किलोमीटर है अभी? काफ़ी दूर है होशियारपुर। कितना दूर है फिर भी? 15 किलोमीटर होना है यहाँ से होशियारपुर। 15 किलोमीटर है अभी? अभी 15 किलोमीटर और है होशियारपुर यार। देखो सूर्यास्त भी होने लग गया। 15 किलोमीटर का मतलब अभी मेरे को 4 घंटे तो लगने हैं यार कंटिन्यू भी जाऊँगा तो, क्योंकि पीछे ना बैग भी भारी है अपना, करीब 25 किलो का करीब का तो है यार बैग। यहाँ पर दिखा यार मेरे को होशियारपुर लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है कि कितना किलोमीटर है यहाँ से होशियारपुर। पीछे जहाँ कुछ अंकल जिसे मैंने पूछा था उन्होंने 15 किलोमीटर बता रहे थे वो, लेकिन यहाँ पर कहीं भी रास्ते में ऐसा बोर्ड ही नहीं दिखा कि कितना किलोमीटर है वाला। पीछे एक जगह बोर्ड देखा था मैंने जिसमें पंजाबी में लिखा था, मैं तो सोच रहा था वहाँ से 15 किलोमीटर है, उस जगह से तो मैं बहुत लंबा आ गया हूँ अभी। ये बोर्ड में देखो यहाँ पर को लिखा हुआ है सबसे ऊपर, मेरे को लग रहा पठानकोट लिखा हुआ है शायद, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ 113 किलोमीटर। बीच वाला मेरे को पता नहीं, नीचे वाला मेरे को लग रहा पक्का होशियारपुर ही लिखा हुआ है 13 किलोमीटर, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, कुछ और लिखा भी हो सकता है। उजाला भी कम होने लग गया यार, शाम हो गई, लाइटें जलने लग गई लोगों के घरों में। अभी मैंने जाना है करीब 10-1 किलोमीटर और चलना है अभी। ये भाई साहब मिले मेरे को एक यहाँ पे, इन्होंने मेरे को बैठा देखा तो इन्होंने बाइक मोड़ के ले आए यहाँ पे। इन्होंने सोचा मैं परेशान हूँ यहाँ पे, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट करने में लगा था यहाँ पे। और भाई साहब कह रहे हैं मेरे से कि छोड़ देता हूँ गाड़ी में, लेकिन मैं कर रहा हूँ पैदल यात्रा, गाड़ी में नहीं जा सकता मैं। धन्यवाद भाई साहब, गाड़ी में नहीं आऊँगा ना असली में, पैदल यात्रा में हूँ मैं। ठीक है धन्यवाद जी। जय शंकर। जय शंकर जी। और कुछ बताइए? ना ना भाई धन्यवाद। तो ना ना कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जय शंकर भाई। जय शंकर। रास्ते में मिलते हैं यार काफ़ी अच्छे लोग जो मदद करना चाहते हैं दूसरे की। वो भाई साहब रुके थे, उनने सोचा यार मेरे को लिफ्ट दे रहे थे, उनने कहा परेशान तो नहीं है कोई बैठा है अकेले जंगल में? लाइट गायब हो गई यार, कोई गाड़ी आएगी तो तभी दिखेगी सकल। कह रहे थे कुछ खाना खिला देता हूँ तुम्हें या कोई मदद, तो मैंने कहा यार मेरे को मदद होता तो कुछ भी नहीं चाहिए, फिर जबरदस्ती का मेरे को पैसा दे गए यार वो। चल रहा हूँ रात को, मज़ा आ रहा, रात का तो अपना अलग ही मज़ा है चलने का। करीब अभी यार 8-9 किलोमीटर और बचा है, लगा हूँ मैं रास्ता
अभी लग जाएगा, लग रहा है मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे, करीब 8:30 से 9:30 बजे का, 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा है, 8:30 से 10 कहाँ कह रहा हूँ मैं, करीब 9 बजने वाला है लगभग। अभी 8-9 किलोमीटर बचा है मेरा, लगा हूँ मैं, ये देखो सुनसान है रोड और मैं लगा हूँ रास्ता। एक पेट्रोल पंप के सामने हूँ अभी, देखो सामने पेट्रोल पंप है। मन तो कर रहा था यहीं रुक जाता हूँ यार, असली में क्या है ना मेरे पास टेंट नहीं है, हम पहले साथ में चल रहे तो एक टेंट लेके चल रहे थे जिसमें दोनों जने के सो जाएंगे करके चल रहे थे, अब मेरे पास टेंट नहीं है सोने के लिए, नहीं तो पेट्रोल पंप मिल गया था। आगे पता नहीं कितने दूर बाद मिलेगा फिर ये पेट्रोल पंप, मैं कोई ढाबा हवा देखूंगा या कोई मंदिर देखूंगा यार सोने के लिए, जहां हो जाए अपनी फ्री में व्यवस्था। मैं पैदल चलने या पैदल यात्री हूँ। ठीक है ठीक, अगर जाना है तो बोलो, होशियारपुर तक छोड़ देता हूँ। ना कोई बजवाड़ा तक कोई और ठीक ठाक है। कहाँ से आए हो आप? मैं हूँ अल्मोड़ा उत्तराखंड का। उत्तराखंड से हूँ मैं, जा रहा हूँ अमरनाथ जी घूमने आए हो? मैं ये पैदल यात्रा में हूँ असली में अभी ना, काम हरिद्वार से जा रहा हूँ अमरनाथ जी। बद्रीनाथ? हरिद्वार से अमरनाथ जी जा रहा हूँ, अमरनाथ। हाँ और क्या सेवा कर सकते? कुछ भी सेवा नहीं, बस आपने पूछा खाना कुछ अभी खाना माथा टेक देना ऐसे मतलब रख के ना माथा टेक देना बस, ठीक है भाई? 10 रुपये ज्यादा नहीं दे रहे, 10 रुपये ले जाना बस, माथा टेक देना मैं हमारी तरफ से, ठीक है भाई? ओके। मैंने शाम को भी मिला था मैं आपको वहाँ पे, ऐसे नहीं किया था जब मिला था तभी तो मैं रुक गया, मैं शायद भाई को जरूरत होगी। ना जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा ना लंबा चल गया, मैं थक गया थोड़ा सा, मैंने कहा पानी वानी तो नहीं चाहिए भाई। पानी है मेरे पास, बोतल है पानी की। ठीक है धन्यवाद। ओके सर। ओके। ऐसे लोग मिलते रहते हैं रास्ते में जो लोग मदद करना चाहते हैं। होशियारपुर 5 किलोमीटर काफ़ी नज़दीक है आज की डेस्टिनेशन मेरी, यार 5 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है यार मेरे लिए। ओह 1 घंटा लग जाएगा लेकिन अभी। और यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, मेरे को लग रहा है यार ये बोर्ड होशियारपुर का ही बोर्ड लगा हुआ है, शायद यहाँ से सीमा शुरू हो चुकी है होशियारपुर की। थोड़ा पीछे ही 5 किलोमीटर दिखा रहा था, वहाँ से 1 किलोमीटर करीब आया हूँ मैं, और यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लिखा है लेकिन पंजाबी में लिखा है, यहाँ पर शायद शहर शुरू हो गया यहाँ से होशियारपुर का, लेकिन अभी जो है जंगल वाला ही रास्ता है, मकान तो नहीं दिख रहे हैं। अब मार्केट शुरू होगी लग रहा है, होशियारपुर मार्केट ही है यार ये। हेलो भैया, होशियारपुर मार्केट शुरू हो चुकी है ये? अभी आ गया। कितना आ गया? 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर पीछे तो एक 5 किलोमीटर का जैसा बोर्ड लगा हुआ था। जो चारों गड्ढा पड़ता है बीच में, तो 7-8 किलोमीटर होगा। अच्छा, मतलब शहर ही शहर अंदर में होगा, बहुत लंबा। अच्छा शहर शुरू कहाँ से हो जाता है? शहर तो आगे गड्ढा आ गया, यहीं से शुरू होगा। अच्छा शहर यहीं से शुरू हो जाएगा आगे से 3-4 किलोमीटर से। अच्छा शहर शुरू हो जाएगा लेकिन मेन बाईपास आएगा। यहाँ कोई अमरनाथ जी के कोई भंडारे भी लगे हैं यहाँ पे? तो अभी चिंतपूर्णी रोड पर हो गए, पता नहीं हो गए नहीं, आपको नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। वही रोड बना रहे होंगे लगे, ठीक है सर। जय शंकर, जय शंकर। मैं आ रहा हूँ हरिद्वार से। जय गंगा मैया की। जय गंगे मैया की। जा रहा हूँ अमरनाथ जी, जा रहा हूँ अमरनाथ यात्रा में। हाँ जी, जय भोले, जय भोले। पीछे तो भाई साहब ने मेरे को शौक कर दिया यार, पीछे होशियारपुर 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा था, उससे 1 किलोमीटर आगे आया मैं, वो कह रहे हैं 7-8 किलोमीटर है, लेकिन मार्केट शुरू हो जाएगी बता रहे थे कि 2-3 किलोमीटर बाद। देखो फिर से जंगल वाला इलाका आ गया, बीच में कस्बा आया था, मैं तो सोच रहा था वही होशियारपुर आ गया। पाँच छः किलोमीटर पहले होशियारपुर 5 किलोमीटर आया था, यहाँ पर होशियारपुर 5 किलोमीटर फिर से आया। ये लिखने वालों पे तो कभी भरोसा मत करना, अब पता चला आगे जाके फिर 5-6 किलोमीटर
सात आठ किलोमीटर वाला बोर्ड ना आ जाए कहीं, कोई भरोसा नहीं है इनका। होशियारपुर में तो मैं आ गया यार, अब यहाँ पर मंदिर दिख रहा है एक, देखता हूँ अगर मंदिर में ठहरने की व्यवस्था है। तेरे यहाँ यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। मंदिर में लगा है ताला, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ। एक साइड ताला लगा है। हेलो भैया, इसमें भी बंद किया हुआ है, बंद है, कोई भी नहीं है मंदिर में। रुकने का तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ यार, बढ़िया जगह है रहने के लिए, पंखा भी लगा हुआ है ऊपर। बैठता तो हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ कोई आ गया तो। दिए तो जले हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी जला रहे हैं दिए। होशियारपुर के स्टार्टिंग में ही मेरे को भगवान भोलेनाथ की छत्रछाया मिल गई। भोलेनाथ का मंदिर है और इस साइड बाहर से शनि मंदिर है। और नहा धो भी लिया मैंने, कपड़े चेंज कर लिए, अपने कपड़े भी धो दिए जो पहने थे, काफ़ी पसीने से बदबू आ रही थी। और बिस्तर लगा दिया मैंने, देखो अपना यहाँ पे ये लगा दिया मंदिर के बाहर से ही। कोई भी नहीं है मंदिर में, मैं ही हूँ अकेले। और ये है देखो हाईवे, बाहर गाड़ी चल रही, बिल्कुल रोड से लगा हुआ ही है। आज रात यहीं पर ही बिताते हैं, फिर इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल सुबह को नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।